Prime Minister Narendra Modi and Prime Minister Sheikh Hasina held extensive talks in New Delhi on Saturday, reinforcing the strong partnership between India and Bangladesh. The leaders focused on expanding cooperation across various sectors, including trade, connectivity, and emerging technologies. The summit resulted in several key agreements, notably in digital collaboration, environmental initiatives, and maritime cooperation. Both leaders emphasized the importance of these new areas of partnership for the future prosperity of their nations, particularly highlighting the potential benefits for younger generations. आज हमने नए क्षेत्रों में सहयोग के लिए फ्यूचरिस्टिक विजन तैयार किया है. ग्रीन पार्टनरशिप, डिजिटल पार्टनरशिप, ब्लू इकोनॉमी, स्पेस जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग पर बनी सहमति का लाभ दोनों देशों के युवाओं को मिलेगा. भारत बांग्लादेश मैत्री सैटेलाइट हमारे संबंधों को नई ऊंचाई देगी. हमने अपने फोकस में रखा है कनेक्टिविटी, कॉमर्स और कोलैबोरेशन. पिछले 10 वर्षों में हमने 1965 से पहले की कनेक्टिविटी को रिस्टोर कर दिया है. अब हम और अधिक डिजिटल और एनर्जी कनेक्टिविटी पर बल देंगे. इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति मिलेगी, हमारे आर्थिक संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए दोनों पक्ष सीपा पर बातचीत शुरू करने के लिए सहमत हैं. बांग्लादेश के सिराजगंज में एक इनलैंड कंटेनर डिपो के निर्माण के लिए भारत समर्थन देगा. रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए डिफेंस प्रोडक्शन से लेकर सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर हमारी विस्तार से चर्चा हुई. हमने काउंटर टेररिज्म, कट्टरवाद और बॉर्डर के शांतिपूर्ण प्रबंधन पर अपनी सहभागिता को मजबूत करने का निश्चय किया है. इंडियन ओशन क्षेत्र के लिए हमारी विजन समान है. इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स में शामिल होने के लिए बांग्लादेश के निर्णय का हम स्वागत करते हैं. मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए बांग्लादेश से भारत आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करेगा. बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने रंगपुर में एक नया असिस्टेंट हाई कमीशन खोलने का निर्णय लिया है. बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं. मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को सरकार साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं. प्राइम मिनिस्टर हसीना एक्नॉलेज्ड इंडियाज़ क्रूशियल रोल इन बांग्लादेश'स हिस्ट्री एंड स्ट्रेस्ड द वैल्यू ऑफ देयर एंड्यूरिंग फ्रेंडशिप. द विजिट, marking the first bilateral state visit by a foreign leader since India's recent elections, underscores the significance of India-Bangladesh relations in the region. Manish Parab and Sanika Nagvekar for Goa 365.